आज हम बनाएंगे मावा मालपुआ। मावा मालपुआ कैसे बनाएं, आइए हम देखते हैं। मालपुए बनाने के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम मावा, 50 ग्राम मैदा, 125 ग्राम शक्कर, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 5 से 6 बादाम की कतरन, 5 से 6 पिस्ता की कतरन, 3/4 कप दूध और आधा कप पानी। मालपुए बनाने के लिए सबसे पहले मैं मावे को इस स्पून की सहायता से दबा के तोड़ लूंगी, जिससे कि बैटर में गुठलियां नहीं पड़े। और अब हम एक मिक्सी का झाल लेंगे और इसमें हम मावा डालेंगे। अब हम मैदा डालेंगे। और आधा दूध डालेंगे। सारा दूध हम साथ में नहीं डालेंगे क्योंकि गुठलियां पड़ सकती है बैटर में। मिक्सी में मालपुए का घोल बनाने से वो बहुत स्मूथ बनता है और फ्लफी बनता है, इसलिए हम इसको मिक्सी में बना लेंगे। हमने 2 मिनट चला लिया, अब हम चेक करेंगे। अभी ये बहुत गाढ़ा है तो मैं इसमें ये बचा हुआ सारा दूध डाल दूंगी और इसको फिर से एक बार चला लूंगी। हमने इसे फिर से 2 मिनट चला लिया, अब हम इसको चेक करेंगे। ये हमारा स्मूथ बैटर बनके रेडी है, अब हम इसको एक तपेली में निकाल लेंगे। हम इस बैटर को 15 मिनट रेस्ट करने देंगे और अब हम चाशनी बना लेंगे। चाशनी बनाने के लिए हम एक तपेली लेंगे, इसमें पानी डालेंगे और ये शक्कर डालेंगे। अब हम इसको चला लेंगे। हमें एक चाशनी में कोई तार नहीं बनाना है, हमें इसे तब तक ही पकाना है कि ये शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए और ये थोड़ी चिपचिपी होने लग जाए। ये शक्कर इसमें घुल गई है तो हम इसको 5 से 7 मिनट और पका लेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें इसका कोई तार नहीं बांधना है। 10 मिनट हो गए, अब हम चाशनी को चेक करेंगे। हम इसको एक प्लेट में लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको चेक करेंगे। ये ठंडा हो गया, अब हम इसको चेक करेंगे। तार भी नहीं बन रहा और ये आपस में चिपक रही है, इसका मतलब हमारी ये चाशनी रेडी है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। चाशनी को अब ठंडा होने देंगे और हम मालपुए उतार लेंगे। मालपुए उतारने के लिए मालपुए तवी में घी उतना ही भरना है कि मालपुए उसमें आसानी से डूब जाए। अब हम घी को गर्म होने देंगे। हम घी को चेक करेंगे, ये घी गर्म हो गया है तो अब हम इसमें मालपुए उतारेंगे। हम इसको एक बार हिला लेंगे। हमें मालपुए उतारने के लिए गैस कम और मीडियम ही रखना है। ये मालपुए ऊपर तैरने लगे हैं तो हम इन्हें एक बार पलट देंगे। हमारी इन मालपुए किनारियों में भी जालियां पड़ रही है, इसका मतलब ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपका घोल तवी में डालने के बाद फैल नहीं रहा है, इसका मतलब वो बहुत गाढ़ा है, तो आप उसमें थोड़ा पानी या दूध डालिए। और अगर वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसका मतलब वो बहुत पतला है, तो आप इसमें थोड़ा मैदा डालिए। इन मालपुओं को हम पलट देंगे। ये मालपुए सिक गए हैं, इसका कलर भी चेंज हो गया है। चाशनी में डालेंगे निकाल के। हम इसको 2 चम्मचों की सहायता से ऐसे घी बिल्कुल निचोड़ लेंगे और हम इसको चाशनी में डालेंगे। इसी तरह हम सारे मालपुए निकाल लेंगे। हम इसको चाशनी में बिल्कुल डुबा देंगे। और इसी तरह हम सारे मालपुए उतार लेंगे। हमें मालपुए 5 मिनट चाशनी में डुबो के रखने हैं।
5 मिनट हो गए, अब हम इन मालपुओं को चाशनी से निकालेंगे। चाशनी से भी हम बिल्कुल निचोड़ के इस तरीके से निकालेंगे। अब हम इन्हें एक बार पलट देंगे। अब हम इन पे थोड़ी बादाम और पिस्ते की कतरन डालेंगे। ये मालपुए बन गए हैं, अब हम इसे भी चाशनी में डाल देंगे। अगर आपकी चाशनी जाड़ी है तो आप उसको पानी डाल के पतला कर सकते हैं, पर उसको हमें फिर से उबालना पड़ेगा। अब हम इनको बादाम और पिस्ते की कतरन से सजाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।